गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ अच्छे ही होगा। इतना ट्रैफिक है आज भी, पता नहीं क्या चल रहा है यार। ये दुर्गा पूजा खत्म होते ही जाम जाम, हर तरफ जाम। पता नहीं कैसे ऐसे निकलेंगे। अभी देखो, आजकल ऐसा हो गया, एक तो मौसम चेंज हो गया, दूसरा छुट्टियाँ कभी ख़त्म हुई हैं, फिर दिवाली की छुट्टी आने वाली है वैसे, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि 4 दिन 5 दिन छुट्टी थी, उसके बाद तो लोग ऑफिस जाएंगे। और आज मेरे को गुड़गांव में काम है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ये क्या बताऊँ, एक और एक लड़का है उससे मिलना है, तो वो भी है। तो बहुत हल्के आ रहे हैं मेरे, पता नहीं कैसे आएंगे नहीं आएंगे। देख लो बाहर का मौसम कैसे हो रखा है। ऐसे मौसम में अब आदमी क्या करे, निकलना है और घर। देखो शाम को घर जाते टाइम भी यही दिक्कत है, सुबह भी यही दिक्कत है, देख रहे हो अभी। और इस रोड में पहले इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी, अभी बढ़ी हुई है। पता नहीं क्या रीज़न है, समझ नहीं आता, लेकिन ठीक है कुछ भी। अभी 2-4 दिन की बात है, आई थिंक फोर्थ फिफ्थ नवंबर से फिर वैसे ही छुट्टियाँ हो जाएंगी, तो सब बंद हो जाएगा, लोग घर चले जाएंगे। कुछ छठ पूजा में जाएंगे, कुछ ऐसे दिवाली में जाएंगे, अलग अलग रहता है सबका शेड्यूल, तो देख लो। अभी तो फिलहाल क्या हाल है देख लो। चौक देख रहे हो भाई लोग, देख लो। अब मैं निकला हूँ यहाँ से और कैसा हो रखा है माहौल देख लो। ये बाइक चला रहा है लड़का, देखो कितनी तेजी है इसको। और देखो एक बात, यहाँ पे मैंने नोटिस किया है, जो ये बिल्डिंग्स हैं इसमें जो कंपनी है, फ्लोर वाइज चेंज होते रहते हैं, और कोई कोई नए नए लगाते रहते हैं, मतलब अलग अलग है सिस्टम सबका। तो नई कंपनी आते रहती है, फ्लोर चेंज होते रहते हैं, तो कोई खाली करके गया होगा तो कोई ऑक्यूपाई कर लेता है वैसा। और मार्केट में आजकल बहुत सारी न्यू कंपनी मतलब ग्रो कर गई हैं, तो वो चाहते हैं मतलब लाइक उनको मिल जाता है कहीं से फंड, तो यहाँ सीधे ऑफिस ले लेते हैं कि ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा उनका ये, और मार्केट पकड़ लेंगे ऐसा सोच के तो ले लेते हैं। यहाँ पे कॉस्टली है थोड़ा, बट ले ऐसे लोगों क्या है ले लेते। देखो वहाँ पर डेकोरेशन ऊपर, तो दिवाली का है सब, डेकोरेशन शुरू हो गया है क्या ऐसा है कि। और तो वर्क स्पेस और बहुत सारी चीज़ें हैं ना यहाँ पे चेंज होती हैं। मैंने मतलब मैं तो आते जाते रहता हूँ, तो मुझे तो रेगुलर पता चलता है कि ये कंपनी का बोर्ड हट गया, ये ऐसा लग गया, तो चाहे शिफ्ट हो जाते होंगे रेंटल के चक्कर में, ये भी रीज़न होगा। जो थोड़ी देर मतलब स्टेबल है कंपनी, वो तो अपना शिफ्ट कर लेती होगी कि भाई इतना रेंट कौन दे, तो सच्चा निकल ही लो। तो ये सब तो बिजनेस पे है, जब प्रॉफिट है तो ले लो यहाँ पे ऑफिस, और प्रॉफिट कम हुआ तो निकल लो। और इतनी बड़ी मतलब कि 24 फ्लोर ऐसे ही टावर्स हैं यहाँ पे, तो कोई 16th फ्लोर पे है किसी का ऑफिस, किसी जो ऐड कराना चाहते हैं उन्हीं का नाम बाहर रहता है, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा आप जब तक रिसेप्शन पे नहीं जाओगे। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपना ऐड बाहर नहीं लगाया है इन बिल्डिंग्स पे, तो आप जब जाओगे अंदर तो पता चलेगा कि चाहिए इस फ्लोर पे है यहाँ पे, मतलब ऐसे आपको पूछ के जाना पड़ेगा, तो ये रहता है यहाँ पे। आज ऐसा हुआ कि मेरी गाड़ी बंद हो गई सडनली, मतलब मैं रैंप पे ऊपर जा रहा था तो मेरे से क्लच छूट गया और गाड़ी बंद हो गई, और उसका स्टार्ट नहीं हो रही थी, मिस मारने लगी 2-3 बार ऐसा हुआ। फिर मैंने गाड़ी को रैंप से नीचे किया, स्टेबल किया और फिर स्टार्ट किया, तुरंत स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर गए तो मुझे लगा था कि रोड साइड असिस्टेंस बुलाना पड़ जाएगा, लेकिन ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा हो मतलब आइडिया नहीं होता। रैंप पे सडन बंद हो गई थी मेरी गलती से, और बंद भी हुई तो स्टार्ट हो जाती तो कोई बात नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुई तो फिर मुझे आइडलिंग में चली गई होगी मोस्टली, मुझे लगा ऐसे। तो मैंने उसको पीछे करके धक्के थोड़ा सा रैंप पे तो हल्का ही पुश किया तो नीचे आ गया, फिर उसको स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गई, नहीं तो मैंने बोनेट सब खोल लिया था, बैटरी चेक करने गए। वैसा कुछ मतलब हो जाता है कभी, ऐसा सडन बंद हो गई
होते अगर प्रॉब्लम हो गई तो डैशबोर्ड में दिख जाएगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर अभी मैंने बैटरी भी चेंज कराया था, अभी 1 महीने भी नहीं हुए सर्विस करा के, तो ऐसा प्रॉब्लम तो होगा नहीं कुछ। तो स्टार्ट हो गई तब से तो ठीक है यार। वैसे मैं 1 मिनट के लिए तो डर गया था मैं कि क्या हो गया यार, अब मीटिंग थी तो जा पाता या नहीं मतलब नहीं जा पाता, ऐसा कंडीशन हो जाता है। लेकिन ठीक है, स्टार्ट हो गई, मैं निकल गया। तो भाई गाड़ी स्टार्ट तो हो गया और अभी तो ठीक चल रही है फिलहाल। अभी घर के लिए निकला हूँ मैं, तो एक बार घर पहुँचता हूँ। तो यहाँ चेक पोस्ट, अभी तो यहाँ चेक पोस्ट पे ट्रैफिक ही नहीं था फिलहाल, और यहाँ से निकल गया तो अब घर भी पहुँच ही जाऊँगा जल्दी। पता नहीं रास्ते में कहीं जाम मिले, कोई गारंटी नहीं है इसका, हो सकता है जाम भी मिले नहीं भी मिले, क्या कर सकते हैं। और आज मुझे बहुत अर्जेंट काम भी है घर पे भी, क्या करूँ यार इतना सारा। मैंने कोई भी काम पेंडिंग हो जाता है तो गलत ही होता है पेंडिंग, हो पता नहीं कैसे हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो उसको अभी जाते ही काम करना है मुझे, और ज़रूरी भी है फिलहाल। देखो अब जो हो गया, एक बार एक पार्सल आया हुआ है वो भी देखना है। अबे देखो आगे, यही डर था, पता नहीं कैसे जाम लगा हुआ है यार, देख रहे हो फुल पैक्ड। ऐसे निकल जाऊँ तो बड़ी बात है। घर आ गए और खाना भी खा लिए, और एक लड़का देखिए फिर सो गया है, कैसे हिल रहे हैं। तो अभी खाना खाए, अभी ये उठेगा नहीं, अभी सुबह ही उठता है एक ही बार में। तो फिलहाल अब तो कोई बाहर जाने का प्लान है नहीं, तो गाइस क्या करें, आज ऐसे ही दिन बीत गया, बहुत सारा काम है अभी भी। कल देखेंगे अब कल का क्या प्लान है। और तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, होप करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।